भोपाल लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि मैं आतंकवादी और देशद्रोही हूं, तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी आतंकवाद से समझौता नहीं किया। कांग्रेस ने कभी आतंकवाद से समझौता नहीं किया और प्रज्ञा जी कहती है दिग्विजय सिंह आतंकवादी है। अगर आतंकवादी है तो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार क्यों नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं देशद्रोही है, तो मैं थाने में चला गया कि भैया मैं देशद्रोही, मुझे गिरफ्तार करो। तो थानेदार ने कह दिया आपके ऊपर न तो कोई मुकदमा है न रिपोर्ट है। तो मैंने कहा तुम्हारा मामा काहे को बिल्कुल देशद्रोही बोलता है।